भजन में होता आनंद आनंद, ऐसा भजन करो तो आपकी यात्रा आनंद की ओर हो जाएगी। बरसत सबद अमी के बादल, भींजत है कोई संत। आपको दुख की यात्रा करते हुए बहुत युग बीत गया, युग बीत गया, समय नहीं, वर्ष नहीं, युग बीत गया, कही युग। कबीर साहब कहते हैं 16 असंख्य युग बीत गया, 16 असंख्य युग बीत गया, मकान बनाते हुए, शादी रचाते हुए और बाल बच्चों की परवरिश करते हुए, दुनिया में घूमते हुए हमें 16 असंख्य युग बीत गया। कितना अभी तक हम उस अमृत के पास नहीं पहुंचे जिसको पीने के बाद हम अमर हो जाते। वो अमृत, वो अमर नाम हमारे अंदर है। उस अमर नाम की यात्रा में हम ठगे गए, हम अपने ही स्वरूप को नहीं पहचान पाए। साहब कहते हैं जब तुम खुद को ही नहीं पहचान पाया तो वही दूसरा आरंभ करके प्रपंच करके तू तो आगे चला गया। सुजीत का किला पड़ा है, किता बड़ा है, वहां पर अभी अभी हॉस्टल बनाया है और हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे, नहीं तो गधों का राज था। वहां जाकर के बड़ा वास से गधे भौंकते हुए जाते थे और ऊपर चढ़ जाते थे और वहां जाकर के जोर से आवाज करते थे और वो कानों में पड़ती थी आवाज के गधा भौंक रहा है। जहां पर राजा की आवाज होती थी, रंग राग होते थे और सेनाइयां बजती थी, भैरियां बजती थी और एक हुक्म पर सेना खड़ी हो जाती थी और जब ऊपर से राजा आवाज करते थे तो सकल सावधान हो जाते थे और नगरी सब कवर हो जाती थी। और उसी नगरी का राजा जब चला गया तो वहां पर आप देखते हैं कि पशु भी दुखी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अच्छे कर्म करना और गुरु की शरण में जाकर के भजन करना, यही तो मेन काम था और ये मेन काम छूटने के कारण पुण्य क्षीण होते गए, पुण्य क्षीण होते गए और नगरी भी छूट गई और रास्ता भी छूट गया। जीव का जो रास्ता था अच्छा रास्ता छूट गया और जिन्होंने बुरे कर्म किए वो नरक के रास्ते चले गए, जिन्होंने अच्छे कर्म किए वो स्वर्ग के रास्ते चले गए। तो रास्ता चेंज हो गया, संगति चेंज हो गई और जीव जो है जूनियों में जाकर के पड़ गया। अब कोई नहीं पहचान सके कि हमारे सुजत के राजा साहब कहाँ हैं। कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, वहां के राजा साहब को पहचान सकते हैं कि अभी कहाँ हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं उन्होंने स्वयं ने नहीं पहचाना, वो दुनिया को पहचानते थे और अपने आप को वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं क्या शक्ति हूं, मेरे अंदर कितना भंडार है, मैं खुद सुख का सागर हूं, अर्थात मेरे अंदर सुख की खान है, आनंद है। वो खुद नहीं पहचानता। ठीक है, दिन भर घूम घाम के जब दुखी हो जाते थे तो मुकमल की सैया पर सो जाते थे तो थोड़ी सी नींद लगती तो दिमाग फ्रेश हो जाता था, फिर भी उनको समझ नहीं आई कि देखो दिमाग फ्रेश करने के लिए भी नींद जरूरी है। और ठहरो, ठहरोगे तो नींद आएगी, ठहरोगे ही नहीं तो वो भी कैसे आएगी। तो जो नींद नहीं लेते हैं समय पे उनकी क्या हालत होती है, अर्थात वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है।
तो दुनिया की परवाह में नींद भी बराबर नहीं लेते थे, चिंता करते रहते थे, पर चेतन की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने आत्मा की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए जीव तो चला गया, दूसरी यात्रा में चला गया। आपको सदगुरु आनंद की यात्रा में ले जा रहे हैं। कोई भी गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु सुख की यात्रा में ले जाते हैं, आनंद की यात्रा में ले जाना चाहते हैं तो चलेगा कौन? कि जो सांस के ऊपर ध्यान करे वही उस सुख की यात्रा में जाएगा। श्वासा की कर स्मरणी करो अजप्पा जाप, साहब कहते जाप करते करते फिर अजप्पा में आ जाओ और श्वास श्वास में नाम लेना सीख लो, बस ये कड़ा आपको आ गई तो आप सोवत जागत उठत बैठत अरे दर्दवंत अति भारी, दुनिया से फारग हो बैठा रह गई कछु न्यारी, साही तेरे बंदा ने बलिहारी। तो सदगुरु के विषय भी वही रास्ता हमको दिखा रहे हैं। क्या हम वो रास्ता पकड़ पा रहे हैं? मैंने पहले कहा 16 असंग युग शास्त्र में लिखा है कि बीत गया है, वो रास्ता हम नहीं पकड़ पाए। अभी हमने क्या रास्ता पकड़ा है? कुछ नहीं, पैसे भेड़े करना है, तिजोरी भरना है। आज 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, 30,000 हुआ, 40,000 हुआ, लाख हुआ, 2,00,000 हुआ, 10,00,000 हुआ, 20,00,000 हुआ, 40,00,000 हुआ, करोड़पति हुए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपने आत्मा का रास्ता छोड़ दिया, आपने लोभी राम का रास्ता पकड़ लिया। और लोभ के रास्ते में क्या होगा? मक्की को देखा कभी आपने? शहद के टिपका पड़ जाता है शहद का, उसके ऊपर मक्की बैठती है, लोभ करती है तो क्या हालत होती है? पांव भी चिप जाते हैं और पंख भी लपट जाते हैं और फिर सिर धुन धुन पछतावे कि कोई मुझे छुड़ावे, कोई छुड़ावे, लोभ किया। एक बार पी लेती कोई बात नहीं, दो बार पी लिया कोई बात नहीं, तीसरी बार पी लिया फिर भी कोई बात नहीं, बार बार जाकर के वही रस पे लोभ कर दिया। तो सजनों अगर सत्संग नहीं मिलेगी तो प्राणी लोभ के रस्ते में चला जाएगा और वही हालत होगी जो मक्की का उदाहरण है। साहब कबीर कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए, साहिं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा में, भूखा नहीं रहूं साधु भूखा नहीं जा। बोलो सदगुरुदेव की। गरम गरम रोटी खाओगे कि ठंडी ठंडी खाओगे? हम गरम रोटी खाने वाले हैं, ठंडी क्यों खाए? परंतु जो आनंद ठंडी रोटी में है वो आनंद गर्म में नहीं होता है। तो सजनो दिमाग को ठंडा रखोगे और लोभ में नहीं जाओगे और कुछ बचा करके लुटाओगे तो वो आपकी आत्मा की यात्रा में साथ में चलेगा। अगर कुछ लुटाओगे नहीं तो आत्मा की यात्रा में साथ चलने वाला नहीं है। हमारे गलियों में कुत्ते हैं, वो पहले बांटे नहीं थे तो आज उनको दुर्कारा खाना पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा की यात्रा को वो समझ नहीं पाए, गुरु को समझ नहीं पाए और दान पुण्य में ध्यान नहीं दिया, सुमरण भजन में ध्यान नहीं दिया तो पराये बस हो गए। बहुत मुश्किल है जिंदगी, समय पे पानी नहीं, भोजन नहीं और ऐसी सर्दी में कोई कंबल डालने वाला नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपके सामने आप देखते ही हैं, बैल की यात्रा अच्छी है क्या? जो बैल है उनकी यात्रा अच्छी है? वो जो छकड़ा चलाने वाले हैं वो एक लंबी रखते हैं बैंत और ठीक ढंग से नहीं आ लेते, ले भाई ले भाई ले भाई है? और फिर आप देखो अपने पास पास में जीवों को देखो, चिड़िया घोंसला में बैठती है, डर किसका है? सांप का, कौवे का, सील का, कितने लोगों का डर है? क्या वो आराम से नींद ले सकती है रात में?
आप कितना आराम से सोओगे। सुबह हुई कई टाइम रही हो रहे क्योंकि आपने अपनी दीवार बना ली, अपना घर बना लिया, अपना मकान बना लिया, आपकी पुण्याई अच्छी है, इसलिए नींद आराम से आप ले सकते हैं। और पशु बाढ़ में ही तो उनका घर है, पेड़ पौधों के शरण में वो जाते हैं और वहां भी कई जीव उन्हें तकलीफ देते हैं। रात में हमला हो जाता है, आप तो रात में ज्यादा फोन आवे तो भी आप परेशान हो जाते हैं कि रात में फोन मत करो, हमें नींद आ रही है। अरे वो आपको तो खाली फोन से ही परेशानी हो रही है और उनका तो रात 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 घर ही खत्म हो जाता है, पता नहीं। चींटी का जीवन देखो, मकोड़े का जीवन देखो, खरगोश का जीवन देखो, पशुओं का जीवन देखो, उससे तो आप बहुत मौज में हो। अब इसके आगे आपको मौज में जाना है और वो मौज है शब्द को जपना, नाम को जपना। इनका दुख देखकर हमें सीख लेनी है कि हमें शब्द जपना है, नाम जपना है, हमें लोभ नहीं करना है, अधिक लालच नहीं करना है, मोह नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। हमारे घर में बूढ़े बड़ेरे हैं तो उनकी सेवा करनी है और हमारे घर में कोई अतिथि आवे तो कोई भूखा नहीं जाने देना है और चलते फिरते उठते बैठते धुन के साथ नाम जपना है। धुन सुन के मनवा मगन भया, धुन सुन के मनवा लागी समाधि गुरु चरणों में, लागी समाधि अंतर का दुख दूर हुआ सब अंतर। धुनी सुन के मनवा मगन भया, धुनी सुन के कैसे मगन हुआ, जब श्वास श्वास का भजन सीख गया तो उसे धुन खुल गई और जब धुन खुल गई तो धोखा मिट गया। जहां भी जावे वहां वो शब्द सुनाई पड़ता है, कोई भी काम करे वो शब्द सुनाई पड़ता है। बोलो सद्गुरुदेव की। आप घर में काम करते हो और आपकी घड़ी क्या बोलती, टक 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 टक, बोलती कि नहीं, कभी बंद होती वो? तो ऐसे ही इस घट भीतर घड़ियावल बाजे और पड़े टिकोरा घाई, और सत शब्द का स्मरण कर ले सुरत निरत ठहराए। अगर सत शब्द का स्मरण समझ में आ गया, सुरति निरति एकाग्र हो गई और श्वास उश्वास से नाम धुन प्रकट हो गई, सतगुरु कवि साहब कहते हैं बच्चा न्याल हो गया, न्याल हो जाता है। सजनों बात पे ध्यान दो, रूम रूम अभियंतर भीजे पारस परसत अंग, गौ निज नाम त्रास नहीं तन में तो साहेब तेरे संग। कवि साहब कहते मालिक परमात्मा तो आपके संग में है, अरे रूम रूम में नाम जगाओ। क्या कहते हैं रूम रूम में, आपको कोई कष्ट होता तो आप क्या कहते हैं, मेरे तो रूम रूम में शरीर दर्द कर रहा है। कष्ट होता है तब आपको पता चलता है ना। अभी डेंगू डेंगू जिसको लोगों को डेंगू होता है तो आप जानते हैं कि उनको कितना कष्ट होता है, वो ही जानते हैं जिसको हुआ है। लागी सो ही जानी और मरम नहीं जान। तो सजनों जब श्वास श्वास में नाम जपोगे तो रूम रूम में नाम प्रकट होगा। रूम रूम कुल कुर जावन लागा, रूम रूम के अंदर खुशी होगी। बोलो सद्गुरुदेव की। खुशी कहाँ होगी, खुशी आपके रूम रूम में फैल जाएगी, शब्द की ताकत आपके रूम रूम में फैल जाएगी। और आपको जैसे रात में चांदनी का फूल चंद्रमा को देखते ही वो खुश हो जाता है, खिल जाता है,
चंद्रमा को देखकर चांदनी रात में खिल जाती है। चांदनी का फूल होता है, वो चंद्रमा जब उगता है उसको देखते ही वो खिल जाता है। कैसा संबंध है। ऐसे ही आप रूम रूम में नाम जपने लग जाओगे, श्वास श्वास में नाम जपते जपते जब साहब की याद आएगी, सतगुरु की याद आएगी, तो रूम रूम के अंदर आपको जो है शब्द की खुशी आएगी। जैसे भोजन करने के बाद में तृप्ति आती है, स्नान करने के बाद में क्या आती है, तंदुरुस्ती। आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, फिर काम करने के लिए आपका मन करता है। बोलो सद्गुरुदेव की। किसी को ज्यादा जुकाम लगा हुआ हो और जब शरीर से पसीना निकल जाए तो शरीर भारी लगता है कि हल्का, एकदम हल्का। ऐसे ही रूम रूम में नाम जब चेतन होगा तो आपको लगेगा कि मैं फूल की तरह हूं, मेरा शरीर में बिल्कुल ही भार नहीं है, मैं एक फूल की तरह हूं। और रूम रूम में उठी पुकार, जीवित मर्तक लीनो मार। और रूम रूम के अंदर आपके नाम की सत्ता जागेगी, तब आपको अंदर धुन जागेगी। और जब रामांच के बाद में जब धुन जागेगी तो मनवा जो इधर उधर भटकने वाला है वो बिल्कुल ही लीन हो जाएगा। साधु की संगति पाई, हरि सुफल होई रे कमाई। कोई साधु की संगति पाई, जाकी सफल हुई कमाई।